आप देख रहे नौटंकी लोक संगीत YouTube चैनल। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वेल आइकन घंटी जरूर दबाए ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहे बिल्कुल मुफ्त। जनाना बन के बैठी और मैं जा रही हूं जंग करने के लिए। अच्छी चंदा लाल चल है वह चला सा।
अंदर के सिंह सब सबका कलेजा चीर वो करूं जंग का पे और जमीन आसमान। आप यही बोलू के हम पृथ्वीराज के तंबू को उखड़ा कर अभी आते हैं। ठीक है जाइए देव। अब पृथ्वीराज और जीजा सही जगह तंबू लगाए हैं और चली उनसे कही कि अगर ये तंबू उखड़े गवा तो सबन लेवे कि तुम हमारा जीजा ना आए। आप बिकट के चली लड़ाई खच 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 तलवारें चली है और यही मई उधर जो गिट्टा खरूला रहा तो वह खट से काम। अब हम चली एक बार नीचा से बताइए। आज अचानक क्या बात है? बात का हम जानो तो इसकी जीजा तुम यू मेलम जरूर। ये तो तुम जानते हो कि हम हर पर्व में गड़बिठूर स्नान करने के लिए जरूर आते हैं। अब की जगह बदल दी हो का? यही जगह खाली था, मैंने कहा यही पर तंबू तान दो। नहीं नहीं बढ़िया कहो। और तुम तो ये जानते हो कि अपने पास 9 लाख फौज है। हाँ, और 9 लाख फौज के लिए जगह चाहिए, इसलिए जगह चुन करके मैंने कहा यहीं पर अपना कैंप लगा देना चाहिए। मगर जीजा जहाँ तंबू ताने हो ये तो जानते हो न ढिठन की और जगह है। क्या मतलब? अरे वही मोहबियत की और जगह है। मोहबियों के नाम बहनामा है क्या ये जगह में? जो कोई पहले पहुंचता है उसी का कैंप लग जाता है। नहीं, वह तो बात सही है, जो पहले कुर्सी बैठ जाए वो एकदम। और फिर हम महाराज पृथ्वी सिंह उन महावीरों से डरने वाले मैं से नहीं हूँ। आओ का कहाँ राजा भोज कहाँ हुई गंगी। आप सही कहते हैं माइल भाई। अरे आप उनके हो का तुम्हें जूता के नोक के नहीं ना। अरे उनकी बात छोड़ो, आप जीजा तो जान ली भाई जी। आप जलपान करिए। अरे जलपान का करिए, हमारा पेट ठीक नहीं ना। मगर जीजा को आज जान लियो। क्या बात है? मेले में महावीर आ चुके हैं। तो क्या हुआ? और ये अपने तंबू अपना आपन जगह ढूंढी है जरूर, और ये तंबू इन्हों उखाड़ बुखाड़ के फेंक दिए हैं। माहिल भाई तुम्हें मालूम है कि 9 लाख फौज का तोप जिधर को घूमेगा उधर इलाका का इलाका साफ हो जाएगा। तो कोनो बात नहीं ना, अगर तंबू खड़े गवा तो समझ लियो हमारी बहिनी के हुई। माहिल भाई तंबू नहीं उखड़ेगा है, नहीं उखड़ेगा, नहीं उखड़ेगा। ना उखड़े के चाहबे न करी, नहीं समझ लियो हम दिल्ली रिश्ता टूर दे। अच्छा ऐसा है। अरे माइल भाई के लिए कुछ जलपान का बंदोबस्त। अरे वो घोड़ी वहां पता नहीं मेला मेरा है, पता नहीं कहां गई घोड़ी। तुम्हारा वैसी गन्नन में यहाँ एक घोड़ा का ले भागी जात। अरे देखो सुधी, कहूँ बच्चा न बहा दिए गाभिन रही है। तुम्हारी सुता
तंबू में आकर के रहे का? हाँ ये आ रही है और क्या। अरे सही कह रहे मामा जी आप सर चोर भैडो डरायो ना हम पीछे से हाना बोल। अरे मामा जी डरने की क्या बात है परेशान ये उल्टी सीधी बातें तूने कहाँ सीखी रुपाटा पानी रखा कि लाइटरिंग धोती ऐसे भाभी ना पृथ्वी आज तंबू छोड़कर भाग गया है तंबू लगाने की आवश्यकता नहीं इसी तंबू में आप लोग बिंदास रहिए ठीक है देवर और यह देखो शमशीर छोड़ के भाग गया अरे जब रण छोड़ के भागना है तो वो अपनी जान लेकर के गया है ठीक है। अच्छा भाभी मां हाँ देवर हम लोग थोड़ा मेला देखने के लिए जा रहे हैं आप लोग यही तंबू में आराम करिए ठीक है ठीक है आइए गोरिया धान लगाव टून टून पानी की गोरिया धान लगाव टून टून पानी और चाहता लागे दुकान ये बलक बुखारा है बलक बुखार की राजकुमारी चित्रेखा सहेलियों के साथ देखिए क्या होता है गौर कीजिएगा आपके सामने राजकुमारी चित्रेखा देखिए मन में क्या सोचती हैं और क्या होता है गौर कीजिएगा इंदल हरण और बलख बुखारी की लड़ाई। जी भगवान अब मैं शादी लायक हो गई हूं लेकिन करूं तो क्या करूं किससे बात करूं किससे कहूंगी मैं कि मेरी शादी हो जाए। ये बात मैं अपनी बात पूछूंगी बांधी मुझे सच सच अवश्य बताएगी बांधी क्या बात है मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आखिर क्या कहना चाहती हूँ राजकुमारी जी। अरे बांधी होशियारी जरा मुझको बता दे
राजकुमारी जी। दादी क्या सोच रही है? राजकुमारी जी ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगी। अरे आए प्यारी श्री कुमारी अभिनंदन, अरे प्यारी श्री कुमारी अभिनंदन दुलारी। मंगल गावती ढोली बजा राजकुमारी जी, ये सब लोग जानते हो कहां जा रहे हैं? ये साल भर में ये पर भी एक बार पड़ती है। ये सब लोग गणबिठूर के मेला जा रहे हैं। बांधी क्या है? मैं चल संग तुम्हारे, मैं चल संग तुम्हारे राजकुमारी पीने कर कहूं तेरी पूजा करोगे राजकुमारी जी बोलो। अरे जो चाहो श्री गंग नहाना दुला, चाहो श्री गंग नहाना दुलारी, चाहो श्री गंग
राजकुमारी जी, अगर तुम्हें श्रीगंध नहाने की इच्छा है तो जाकर के पहले अपने भैया से आज्ञा लीजिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। बाधी क्या है, देर किस बात की, देर नहीं लगाऊंगी। तो चलिए राजकुमारी, ठीक है चलिए। बांदी से कहूंगी कि बांदी मेरे भैया ने मुझे आज्ञा दे दी है। देखिए इधर, चिकावे में अपने भैया से आज्ञा लेकर फिर बांदी को बुलवाती, होता क्या है? क्या हुआ कुमारी जी, आखिर क्या हुआ? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। मेरा देश रखने का प्यारी मेरा राजकुमारी की कला राजकुमारी जी, आप चलिए, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं तुम्हें अपना हुनर फन सब कुछ सिखा दूंगी और तुम्हें अच्छा अच्छा ही वर मिलाऊंगी। खूबसूरत, चलिए चलो मेरे साथ। ओ कमल खिल जाए, ए राजकुमारी जी, अरे कमल खिल जाए जो नदिया नहाऊं, कमल खिल जाए, नदिया नहाऊं मैं, नदिया नहाऊं, कमल खिल जाए। Oh,
मुझे कोई फली मुझे कोई कोई मुझे मछली समझे कोई कोई मुझको तितली समझे ये कोई पंछी ए बाबू और मिले कोई पंछी सुबह घड़ी आई है देरी न लगाओ तैयारी करो।